अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले ने कहा था कि प्रूफ देते वो सिया को एक्सेप्ट कर लेंगे, अब प्रूफ भी और क्या चाहती है वो? सुनो, she is feeling small and defeated. बहुत खुश होना तो कि वो तुम्हारी आस्था है, मैं नहीं। भगवान उसे इतनी प्यारे से बहन दे देगा, सिया तुम्हें बहुत प्यार करेगी। जो मेरा है हो सकता है मुझसे छीन कर तुम्हें दे दिया जाए, आखिर तुम सबकी आस्था जो हो। Don't feel disheartened, okay? अच्छा, मुझे इस बात की खुशी है कि तू कोशिश तो कर रही है अपनी तरफ से। सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, मैं बात करता हूँ जाके, ठीक है? आस्था, दरवाजा खोलो बेटा, मैं हूँ। दो मिनट बात कर सकता हूँ तुमसे? इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो, क्यों? वो मुझे लगा सिया है। हाँ, सिया है तो? नहीं, कुछ नहीं। बेटा, मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम यहीं पे रहो, तुम्हारा घर है ये अपना। नहीं नहीं पापा, ये मेरा घर तो है ही नहीं, ये तो सिया का घर है। कम ऑन बेटा, इतने समय से तुम यहाँ पर रह रही हो और तुम कह रही हो ये घर तुम्हारा नहीं है, ऐसा क्यों? जिसका घर था वो आ गई है, अब मेरे इस घर में कोई हक नहीं है। पापा, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं या नहीं? कैसी बातें कर रही हो बेटा, तुम इतने समय से मेरे साथ रह रही हो, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? शिकायत पापा मुझे अपने नसीब से है, उससे है, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बेटा, क्यों तुम ऊपर वाले को बद्दुआ दे रही हो? इतने सालों के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे घर वाले मिल गए हैं, तुम उनको छोड़कर जाना चाहती हो, क्यों? आप नहीं समझेंगे पापा, कुछ भी नहीं समझेंगे। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, अब तक पागल हो गया होता। आप मुझे लेकर चल रहे हैं या नहीं? सिमरन बेटा, तुम जाकर क्यों नहीं समझाती हो आस्था? अभी गए पापा, 4 दिन पहले वो यहाँ आया, क्या समझा लेगा वो उसे? तुम माँ हो उसकी बेटा। वो ऐसा कहाँ समझती? Don't give up like this, Simran. I know, Papa. अभी समझाने गए हैं उसे कि वो यहीं रहे हमारे साथ। बेटा फिर वही, अभी हम लोग चलते हैं। हाँ। ये सब क्या है बेटा, तुम क्यों जा रहे हो? मैं अपने पापा के साथ ही रहना चाहती हूँ। इनफ बेटा, प्लीज प्लीज। 18 साल तक अपने पूरे परिवार को पाने का इंतजार किया मैंने, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी तो प्लीज। 18 साल तक इस घर को अपना समझने की गलती की है मैंने, बेहतर होगा अब मैं इसे सुधार लूं। मैं अपने ही घर में रहना चाहती हूं। चलिए पापा। एक मिनट, बेटा ऐसी हमसे क्या खता हो गई जो ये सजा दे रही हो हमें? इतनी इतनी बड़ी बात कह दी तुमने। नानू,
मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, जरा भी नहीं। आप मेरे बहुत अच्छे नानू हैं। आस्था बेटे, घर तो तेरा यही है, और जिस दिन तुझे ये एहसास होगा ना, तू लौटेगी और हम सब तेरा इंतजार करेंगे। तेरी शरारतों के बगैर ये घर सुना जरूर लगेगा, और फिर मुझे अपनी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट भी तो करना है ना तुझ पर। एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस घर में और भी है नानू। चले पापा। चिंता मत करो तुम, देखो ये जितने भी बिखरे तिनके हैं ना, इन सब को जल्दी से बटोर के एक घरौंदा बना दूंगा मैं। हाँ, बस थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे, तब तक ख्याल रखना। पापा, मम्मी की फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। पापा, आस्था की बातों का बुरा नहीं मानना। अपनी छोटी बहन की बातों का कोई बुरा मानता है क्या मामा? मैं थक गई हूँ बेटा। आई नो, तुम भी जाके सो जाके। क्या कर रही हो यहाँ अकेले बैठ के? इतना अच्छा मौसम है, बाहर कहीं घूम आओ। नहीं तो चलो मेरे साथ चलो, सिया से मिलने जा रहा हूँ मैं। क्यों? अरे बेटा, वो सिया ने एडमिशन लिया है ना फिल्म इंस्टीट्यूट में, कुछ पूछना चाह रही थी। तो मामा है ना उसके पास? हाँ बेटा, मामा है उसके पास, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज में तो एडमिशन ले नहीं रही। तुम्हारी मामा उसे हेल्प करे। फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में तुम्हारी मामा को कुछ मालूम नहीं है, वहां पे ऑपरेशन नहीं होते ना। थैंक गॉड, मुझे मेडिकल एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। मैंने तो हमेशा से ही मामा को देखकर डॉक्टर बनना चाहा था, इसके अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। तो अब क्या सोचा है, क्या करना है जिंदगी में?
सोचा तो कुछ नहीं अब तक, शायद मामा की तरह जर्नलिस्ट बन जाऊं। देखो बेटा, क्या है कि क्योंकि तुम्हारी मामा जर्नलिस्ट थी या सिमरन डॉक्टर है, इसके लिए तुम जर्नलिस्ट या डॉक्टर बनो ये जरूरी नहीं है। जिंदगी में काम वो करो जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन दे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी बेटा तू सिया से मिलने जा रहा है ना, मैंने उसके लिए छोले बनाए हैं, उसे बहुत पसंद है। जब वो हमारे यहाँ रहने आई ना तो एक दिन मैंने छोले बनाए, उसे बहुत पसंद आए, बोली रेसिपी दे दीजिए। मैंने कहा जब तक तेरी दादी जिंदा है रेसिपी जानने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ही हाथ के खाने पड़ेंगे। मैंने थोड़े ज़्यादा बना दिए, दोनों माँ बेटी शेयर कर लेंगी। देख रही है, तेरी दादी ने मुझे डिब्बे वाला बना के छोड़ दिया है। ला दो। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जाओ जाके सिद्धांत से मिलाओ। वो तो हॉस्पिटल में होगा, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ। मैं आता हूँ। तो अब क्या होगा सिमरन? क्या दोनों बच्चियां अलग रहेंगी? नहीं नहीं उर्मिला, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती, बट आई एम होपफुल, क्योंकि अभी ने कहा है कि वो अपनी तरफ से बात करने की कोशिश करेंगे आस्था से। अभी मैंने बहुत ही सही वक्त पर तुम्हारी जिंदगी में आया है, जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और आस्था किसी और की बात तो मानेगी नहीं, सिर्फ अपने पापा की ही सुनेगी। वैसे कल सिद्धांत ने सिया को लेकर उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बट आई नो उर्मिला सिड विल हैंडल इट, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था आई एम होपफुल। क्या सोच रही हो? सिमरन, हम सब ये जानते हैं कि सिद्धांत इज इन लव विद सिया, और उसने कभी ये बात छुपाई भी नहीं है। फिर भी हमने उससे यही कहा कि उसे आस्था के फीलिंग्स की कद्र करनी चाहिए। सिमरन, वो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है, और इसीलिए वो आस्था के लिए तुम्हारे कंसर्न की भी रिस्पेक्ट करता है। उसने प्यार और फर्ज में फर्ज को चुन लिया, और फिर उस वक्त सिया के लिए उसके फीलिंग्स को मैंने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिया वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, सिया थॉट शी वॉज इन लव विद आनंद। पर अब तो हालात बदल गए हैं ना उर्मिला, मैं नहीं समझ पा रही तुम क्या कहना चाह रही हो। सिया की जिंदगी में भी कोई नहीं है, एंड शी इज फॉन्ड ऑफ सिद्धांत, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिद्धांत के लिए वो उसकी सिमरन आंटी की आस्था है, उसके बचपन की दोस्त। ये सब तुम मुझे क्यों कह रही हो उर्मिला? ये सब कुछ मैं नहीं, सिद्धांत ने कहा है मुझसे। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो सिया के लिए अपनी फीलिंग्स को कैसे छुपाए, उसे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे। क्या करे मतलब क्या उर्मिला? ये बात क्लियर हो चुकी है तो हम इस मैटर को और क्यों कंफ्यूज करें? तुम भी जानती हो कि आस्था जिस फेज से गुजरी है उसे हमें रिजॉल्व करना है, ना कि कॉम्प्लिकेट, और ये बात सिद्धांत को भी समझना चाहिए। तो हम उससे सैक्रिफाइस करने की बात कर रहे हैं। हाँ उर्मिला, एक फैसला जब ले लिया है तो उस पर हमें कायम होना चाहिए। हमें सिया को, सिद को, सबको, नहीं एक्सक्यूज मी, मुझे राम पर जाना। छोले भेजे हैं तुम्हारे लिए।
पैकिंग हो गई तुम्हारी? पापा। हाँ बच्चे। आप मुझसे रोज मिलने आएंगे ना? बेटा रोज तो नहीं आ पाऊंगा मैं। क्यों? अब देखो आस्था के साथ भी थोड़ा समय बिताना है मुझे, वो बुरा मान जाती है, तुम जानती हो उसको। मैं बुरा नहीं मानूंगी। बेटा रोज आना पॉसिबल नहीं है। क्यों? अब मैं कोई और नाराज हो जाएगा इसलिए ना। समझने लगी हो सब कुछ तुम? हाँ नानू, अब भी आपको पसंद नहीं करते। जब भी मैं आपकी बात करती हूँ ना तो बस टाल जाते हैं। जायज है बेटा, उनका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। और मैंने भी कोई ऐसा काम तो किया नहीं है जिसके लिए वो मेरे बारे में कुछ भी कुछ अच्छा कहे। और अब जब मैं तुम्हारा और आस्था का बाप हूं तो इस बात को ज्यादा बेहतर समझ सकता हूं। सिमरन को भी मैं खुश नहीं रख सका। पापा अब आप आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। उसका ध्यान रखो प्लीज। और एक ही दिन में इतना काम क्यों निकाल लिया तुमने? अभी थक जाओगे। इतनी फिक्र है एक दूसरे के लिए, कितना प्यार है दोनों में। आई नो दे आर मिसिंग ईच अदर। और एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो रात में नींद भी नहीं आएगी इन्हें। रियली आई कांट बिलीव वो ऐसे बिहेव कर रही है अभी। हाँ उसने सारे बक्से निकलवाए, सब सामान निकलवाया नेहा का। पूरे दिन भर नेहा के बारे में पूछती रही, किताबें कपड़े, आई डोंट नो व्हाट ऑल इज आउट। ऑब्सेस हो गई है बिल्कुल। एक उसकी वो नानी ने अलग दिमाग खराब किया हुआ, ब्रेन वॉश किया हुआ उसका, एंड दैट टू विद सो मच ऑफ बिटरनेस। नानी को क्या दोष दें हम अभी? कहीं ना कहीं मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। आई थिंक आई फेल्ड एज अ मदर अभी, वरना इतने सालों का मेरा प्यार कैसे नहीं याद आएगा उसे। अरे नहीं ऐसा नहीं है सिमरन, उसका स्वभाव तुम जानती हो, हाइपर है, वो रिएक्ट कर जाती है। मैं कर रहा हूँ मैं कोशिश उसको समझाने की, धीरे धीरे देखो क्या होता है, वक्त तो लगेगा ही। अरे सुनो, जिस बात के लिए मैंने फ़ोन किया था वो बात तो की नहीं तुमसे। क्या सिमरन, मुझे लगता है कि मुझे कोई काम शुरू कर देना चाहिए अब। काम तो तुम कर ही रहे हो अभी, और ये तुम्हारा करियर है। आई मीन प्लीज़ तुम लिखना नहीं छोड़ोगे, यही तो पहचान है तुम्हारी अभी। Yeah, I guess so. You still know me better than I know myself, Simran. Oh, तो इतनी रात को डॉक्टर सिमरन से बातें चल रही हैं? मेरी नानी ने सही कहा था कि रात को डॉक्टर सिमरन से बातें करना, उससे मिलना, इसीलिए मेरी मामा कभी प्रेगनेंसी में चैन से जी नहीं सकी। Listen, आस्था, आप जानते हैं पापा, आपकी प्यार भरी बातें सुनकर मेरी मामा कितनी दुखी हुई होंगी। डॉक्टर सिमरन हैज नो शेम। पापा आप तो मेरी मामा के हस्बैंड है ना, तो फिर ये सब क्या है? आई डोंट लाइक दिस। लिसन आस्था, यू सिमरन, आई एम सॉरी। वो आस्था कमरे में आ गई थी। मैंने सब सुन लिया अभी, और अभी प्लीज कोशिश करना कि आइंदा मुझसे तुम बात नहीं करो। कम ऑन सिमरन, दिस नहीं अभी प्लीज। मैं नहीं चाहती कि वो तुमसे भी नफरत करे।